आई एम अमरुद्दीन, आई एम ए मोटिवेशनल ऑथर एंड स्पीकर. आई हैव रिटन 8 मोटिवेशनल बुक्स, सम फिक्शंस एंड सम नॉन फिक्शंस. आई हैव पोस्टेड वीडियोज अबाउट टेबल टेनिस, मोटिवेशनल टॉपिक्स, इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज एंड शेर व शायरी. बातचीत के दौरान एक एक लफ्ज इम्पोर्टेंस रखता है. ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें, क्योंकि हर लफ्ज की एक इम्पोर्टेंस है. अगर ऐसे वर्ड्स हम कुछ बोल देते हैं कि जो दूसरे को हर्ट करते हैं, वो सदा याद रहता है और हमारे रिलेशंस को ख़राब करता है. इसलिए ज़रूरी है कि हम जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें. ये देखें कि ये शॉर्ट में बोला गया हो, ब्रीफ में, संक्षेप में, और इफ़ेक्टिव हो, असरदार हो. जो भी हम बात कहें वो असरदार हो, फोर्सफुल हो, बोल्डली कहा जाना चाहिए. और दूसरी चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हम बोलें वो ट्रू हो, सही हो, नेसेसरी हो, ज़रूरी हो और यूज़फुल हो. जो दो लोग बातें कर रहे होते हैं उनके लिए वो जो भी कहा जाए वो यूज़फुल होना चाहिए. और जो भी हम बोलें उसको बोलने से पहले हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, सोचें, तब बोलना चाहिए. क्योंकि कोई ऐसी चीज़ बोल दें जिससे हमारे रिलेशन ख़राब हो जाएं, वो अच्छी चीज़ नहीं. ज़ख्म तलवार के गहरे भी हों मिट जाते हैं, लफ्ज़ सीने में उतर जाते हैं भाले की तरह. तो वर्ड्स की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, इसलिए हम सोच समझ कर बोलें. और बेहतर ये होगा कि हम ज़्यादा वक्त दूसरों के कही हुई बात को सुनने में लगाएं, सुने ज़्यादा. क्योंकि हम जब सुनते हैं किसी को तो हम नई चीज़ें सीखते हैं, और जब हम बोलते हैं तो हम वही रिपीट करते हैं जो हमको ऑलरेडी पता होता है. इसलिए लिसनिंग इज ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीकिंग, एंड स्पीकिंग शुड ऑल्सो बी वेल प्लान्ड, बिकॉज आवर रिलेशनशिप वेरी मच डिपेंड्स ऑन द वर्ड्स विच वी स्पीक. What we talk or speak is important. So it's very important that we should always filter what we speak. For that, I have a very good acronym, TCEFB, EBBOM. TCEFB, talk concisely, effectively, forcefully and boldly. TNU, true, necessary and useful. EBBOM, engage your brain before opening your mouth. If you filter what you speak, it will be very important for you. During conversation, listening is more important than speaking, because when we speak, we repeat what we already know, and when we listen to somebody, we learn so many new things. So listening is always more important
देन स्पीकिंग। प्रेजेंट मोमेंट में जब हम बात करेंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे कि पहले क्या कहा गया था, पहले के डिस्कशन के दौरान कोई ऐसी बात कही गई हो जो हर्ट कर सकती है, उसको बीच में लाने की कोशिश ना करें और फ्यूचर को भी बीच में मत लाएं। तो प्रेजेंट मोमेंट में अगर हम कंसंट्रेट करें और ING वर्ड्स और सेंटेंसेस को इस्तेमाल करें तो डिस्कशन रहेगा और आर्गुमेंट में तब्दील होने के चांसेस बहुत कम होंगे। डिस्कशन के दौरान अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उसको भी रिजॉल्व करने की जरूरत है, वरना आर्गुमेंट्स स्टार्ट होने में देर नहीं लगती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि हमारी ओपिनियन डिफरेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि लेट अस एग्री टू डिफर। डिस्कशन के दौरान ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है क्योंकि हर आदमी के व्यूज अलग अलग होते हैं, लेकिन काफ़ी कॉमन पॉइंट्स भी होते हैं। तो जिन पॉइंट्स पे हम एग्री करते हैं उन पॉइंट्स पे हम एग्री कर जाएं, और जहाँ पे एग्री नहीं करते हैं उसको एज इट इज़ हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसको फ्यूचर डिस्कशंस में उसको दोबारा ले सकते हैं। तो हमें कहना चाहिए कि लेट अस एग्री टू डिफर। अगर कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे डिफरेंस है तो उस डिफरेंस पे हम एग्री हो करके हम बात को आगे बढ़ा सकते हैं। फैक्ट्स जानने के लिए बहुत से तरीके हैं, हम दोस्तों से डिस्कस कर सकते हैं, बाद में डिस्कस कर सकते हैं, उसको नोट कर लें, उसको बाद में डिस्कस कर लें। हम थिसारस, डिक्शनरी और नॉलेज से रिलेटेड लिटरेचर और वेबसाइट्स कंसल्ट कर सकते हैं और उससे हम चीज़ें सीख सकते हैं। जब फैक्ट्स पता हो जाएंगी तो डिस्कशन रहेंगे और वो आर्गुमेंट्स बदलने नहीं पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, डिस्कशन का पर्पस होता है फैक्ट्स को पता करना। हम जब डिस्कस करते हैं तो एक दूसरे को मदद करते हैं फैक्ट्स पता करने के लिए, और फैक्ट्स पता होती इससे हम सभी को फायदा होता है। लेकिन आर्गुमेंट का पर्पस अलग हो जाता है। आर्गुमेंट में जब हम फंस जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे एक तो रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, और पर्पस होता है कि हम अपनी बात को जीतें। विनिंग आर्गुमेंट्स पर्पस हो जाता है। तो उसमें हम ये भूल जाते हैं कि हमारे रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं, और क्या सही है क्या गलत है इस बात का भी ध्यान नहीं रहता है। हर तरह से हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी बात को जीत सकें और दूसरे को गलत प्रूव कर सकें। आर्गुमेंट्स का फ़ायदा किसी तरह भी नहीं है, क्योंकि अगर हम आर्गुमेंट को जीत जाते हैं तो दूसरा इंसान जिससे हम डिस्कस कर रहे होते हैं उसको बुरा फील होता है, और अगर हम आर्गुमेंट्स को हार जाते हैं तो हम बुरा फील करते हैं। तो आर्गुमेंट्स किसी तरह से भी
फ़ायदे का नहीं होता है, डिस्कशन से फ़ायदा होता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम डिस्कस करें और फैक्ट्स को पता करें, क्या सही है ये पता करें, कौन सही है ये पता ना करें। तो इस चीज़ का हमें आर्गुमेंट्स और डिस्कशन के दौरान ध्यान रखने की ज़रूरत। पॉजिटिव डिस्कशंस आर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। पॉजिटिव इंटरेक्शंस हेल्प इन लर्निंग न्यू थिंग्स एंड क्रिएटिंग हेल्थी रिलेशनशिप। इट इज विन विन फॉर बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व। Arguments, on the other hand, create various problems, spoil healthy relationship during arguments. During arguments, the persons stick to their own points of view. During the arguments, persons involved try to stick to their own points of view, whether they are correct or incorrect. Their purpose is to win the arguments at any cost. Argument never helps. It creates the acrimony and resentment for both the parties involved. If you lose an argument, you will feel bad. And if you win the argument, you will make other person feel bad. If you force your opinion on others, they become more adamant and unfriendly. The purpose of discussion should be to listen, understand, and find facts. The purpose should be to listen, to understand, and to find the facts. Both the parties should try to help each other in finding the facts. Opinions may be different, but facts are same. During discussion, the purpose should be to find out the facts. Thank you for watching this and my other videos. Please click thumbs up bell icon so that you do not miss my subsequent videos. If you want to ask something, please let me know in the comment section below. I will be glad to respond.